नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए शिलाओं का पूजन किया, उस वक्त आपने दृश्य देखे होंगे कि जो आगंतुक थे उस अग्रिम पंक्ति में साध्वी रितंबरा और साध्वी उमा भारती, दो लोग आकर्षण का केंद्र थे। उमा भारती और रितंबरा राम जन्मभूमि आंदोलन में फायर ब्रांड नेता के रूप में सामने आई थी। ऋतुम्बरा जी आध्यात्मिक कामों में लीन हो गई और उमा भारती जी पूरे दमखम के साथ राजनीति में आ गई। आज उमा भारती को देख के ये सवाल सबके मन में आया कि अब उमा भारती का भविष्य क्या है, उमा भारती भविष्य में क्या करेंगी, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से उमा भारती ने अपने को पर्दे के पीछे कर लिया है। जिन लोगों को उमा भारती के बारे में जानकारी है उन्हें सबको पता होगा कि किस तरह से राम जन्मभूमि आंदोलन के जरिए एक फायर ब्रांड नेता के रूप में उमा भारती सामने आई थी। उसके बाद वो भारतीय राजनीति के फलक पर छा गईं। मध्य प्रदेश में 10 साल की दिग्विजय सिंह की सत्ता को उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। उन्होंने ऐसा आंदोलन चलाया, 2 साल इतनी मेहनत की मध्य प्रदेश में, कि दिग्विजय सिंह को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। और आप देखिए कि उसके बाद दिग्विजय सिंह कभी मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी नहीं कर पाए, बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी। उमा भारती कम समय तक मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं, फिर तिरंगा यात्रा, फिर उनका बीजेपी नेताओं से विवाद, उनका बीजेपी छोड़ना, बीजेपी में आना, केंद्रीय मंत्री बनना और फिर चुनाव नहीं लड़ना उनका, और उसके बाद राजनीतिक फलक से पीछे हो जाना। अब उमा भारती भोपाल में ज़्यादा समय बिताती हैं। आज जब वो अयोध्या में दिखी तो सहज सामान्य सवाल था कि अब उमा भारती करेंगी क्या, उनके सामने कौन सा रास्ता है। हमको खबर मिली है कि उमा भारती वापस बड़ी भूमिका में आने के लिए प्रयासरत हैं। वो कैसे? मध्य प्रदेश में बड़ा मलहरा सीट जो बुंदेलखंड में है, उमा भारती का पारंपरिक इलाका है छतरपुर जिले में, बड़ा मलहरा सीट से प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कांग्रेस के इस्तीफा दिया है। और खबर ये भी है कि उस सबके पीछे जो ताना बाना बुना गया था उसमें कहीं ना कहीं उमा भारती थी, और अब उस सीट पर चुनाव होता है तो उमा भारती की निगाहें उस सीट पर टिकी हैं। आप यकीन मानिए कि अगर उमा भारती गलती से बड़ा मलेरा से चुनाव लड़ती हैं तो वो बीजेपी की दूसरी सबसे बड़ी नेता होंगी शिवराज सिंह के बाद, क्योंकि वो शिवराज सिंह से पहले भी मुख्यमंत्री रही हैं। हालांकि उमा भारती के जो विरोधी खेमे हैं बीजेपी के भीतर, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उमा भारती को बड़ा मलेरा से टिकट मिले, और ख़ास करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का खेमा तो ऐसा कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि उमा भारती फायर ब्रांड हैं, उमा भारती समझदार हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, अपनी पिछली गलतियों को वो नहीं दोहराएंगी, ऐसा उनके समर्थक लोग कहते हैं। तो आज जब उनको अयोध्या में देखा गया तो उसके बाद ये सवाल उठा, और इस सवाल का समाधान भी वहीं से आया कि हो सकता है वो भविष्य में बड़ा मलेरा से चुनाव लड़ के मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रवेश करें और एक बार फिर दम के साथ राजनीति करें। ये पहली कथा है। दूसरी कहानी यह है कि बीजेपी छोटे राज्यों की पक्षधर है, और उसके दिमाग में, बीजेपी के जो थिंक टैंक्स हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि कैसे भी पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाया जाए जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से होंगे। मध्य प्रदेश में सागर, दमोह, टीकमगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश से उसके आगे के सारे हिस्से, तो उनको जोड़ के एक बुंदेलखंड बनाया जाए। इसको लेकर बीजेपी के अंदर काफ़ी लंबे समय से मतांतर चल रहा है। आज जो स्थितियाँ हैं, अगर वो राज्य बनता है बुंदेलखंड, तो बीजेपी की एक सरकार, सेपरेट सरकार एक राज्य में फिर खड़ी हो जाएगी, और क्या बुंदेलखंड की सबसे योग्यतम मुख्यमंत्री उमा भारती हो सकती हैं, इस पर भी अब चर्चा शुरू हो चुकी है। एक भगवाधारी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, शानदार काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी उमा भारती ने जितने समय काम किया बहुत शानदार तरीके से किया, उन्होंने सारे सिस्टम को बदलने की कोशिश की, हालांकि कुछ कारणों से उनको पद छोड़ना पड़ा जब तिरंगा यात्रा उन्होंने शुरू की थी, हुबली वाला केस हुआ था, सबको जानकारी है ही उसके बारे में। तो अब उमा भारती के सामने दो विकल्प हैं कि बीजेपी या तो प्रत्येक बुंदेलखंड बनाए और वहाँ की कमान उमा भारती को सौंप दे, या फिर बड़ा मलेरा से वो चुनाव लड़ें, चुनाव लड़ के विधानसभा में आए, मध्य प्रदेश में राजनीति करें, और जैसे ही बुंदेलखंड बनता है तो वो बुंदेलखंड के मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ शिफ्ट हो जाए। इस पर बीजेपी के तमाम सारे बड़े नेता, बीजेपी के तमाम सारे युवा नेता और मोदी की टीम भी काम कर रही है। हालांकि बुंदेलखंड को लेकर समय समय पे किस्म किस्म की बातें आती रहती हैं, लेकिन हमारी जो जानकारी है, हमारे पास जो खबरें छन छन के आ रही हैं आज,
वो ये कहती हैं कि भविष्य में फिर भारतीय जनता पार्टी का उमा भारती एक बड़ा चेहरा होंगी, एक राज्य की वो मुख्यमंत्री हो सकती हैं, और फिलहाल उस राज्य की मुख्यमंत्री बनने के लिए ज़रूरी है कि वो विधायक बने, और विधायक बनने के लिए उनके पास सीट है बड़ा मलेरा, और निकट भविष्य में कोई बड़ी बात नहीं है कि जब बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा हो तो बड़ा मलेरा से उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हों और मध्य प्रदेश विधानसभा की वे सदस्य बने। नमस्कार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज।